नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा पौधा जिसको आपने देखा तो ज़रूर होगा पर उसके औषधीय गुणों से आप शायद वाकिफ ना हों। यह है लटजीरा का पौधा। सितंबर अक्टूबर के महीने में ये सड़कों के किनारे बहुतायत में पाया जाता है। इस पौधे के हर भाग का औषधीय महत्व है। इसके बीज जीरे के समान होते हैं, इसीलिए इसे लटजीरा कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम एकाइडेंथस एस्परा है। पौधे के बीजों का प्रयोग पेट की विभिन्न बीमारियों जैसे अपच, कब्ज वगैरह में किया जाता है। इसके बीजों की खीर पेट की सभी बीमारियों का रामबाण इलाज है। कहा जाता है कि पुराने जमाने के सपेरे और वैद्य इसके ताजे पत्तों और लट का प्रयोग बिच्छू के काटने में और बीज का प्रयोग सांप के काटने के उपचार में किया करते थे। इसके अलावा इसकी लट का प्रयोग कुत्ते के काटने में भी किया जाता था। इसकी जड़ का प्रयोग दांतों व मसूड़ों को मजबूत बनाने में किया जाता है और इसका प्रमाण मैं स्वयं हूँ। इसके जड़ को अगर आप दातून की तरह इस्तेमाल करें तो दांतों की सभी समस्याएं, पायरिया और दांतों का सड़ना, मसूड़ों के फूलना, ये सभी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाते हैं। वर्तमान में इसका प्रयोग पेट की चर्बी कम करने वाली दवाइयों में किया जाता है। इसके अलावा त्वचा की खुजली, दाग धब्बे और कीटों के काटने पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में अपमार्ग भस्म नामक दवा का प्रयोग फिस्टुला और फिशर के प्रयोग में किया जाता है। इसके अलावा किडनी में पाई जाने वाली कैल्शियम ऑक्सीलेट की पथरी को तोड़ने और मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकालने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।